हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम, मोहारो सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम परमाराध्य परमात्मा श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक
गुरुदेव कर श्री चरण अरविंदरे नमन पूर्वक समस्त श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छायरे विराजमान करथिवा समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को श्रीमद भागवत महापुराण भितरे अभिवादन पूर्वक श्रीमद भागवत महापुराण रो ये जो व्याख्यान आमे आरंभ करथिले 29 अध्याय रो करीब 29 30 31 32 33 ये जो पांच अध्याय ये पांच अध्याय को कहा जाए रास पंचाध्यायी महारासर आरंभ रासर आरंभ है वो महारासर जो अध्याय ये पांच अध्याय को श्रीमद् भागवत महापुराण रो प्राण बोली कहा जाए। यदि यदि ये प्राण पांच अध्याय को जन भाव बुझी नहीं तो निश्चित भाव ये भागवत जो प्राण अथवा निष्प्राण अथवा उसमें चैतन्यता को बुझी नहीं जीवन को से बुझी नहीं। ये प्राण बोली कहा जाए ये पांच अध्याय सतकथा कहिबा गले पुतना अध्ययन पुतना बद्ध ठारू नहीं कि अथवा ता पूर्व और निचोड़ कर दिया जाए आहुरी पूर्व दशमस्य विशुद्ध्यर्थम इस दशम तत्व परमात्मा भगवान कृष्ण रूपी आश्रय तत्व को जानिबार निमन्ते ये नौ स्कंद वर्णन अछि। दशम सत्ता को बुझिबा पई दशम तत्व कृष्ण को बुझिबा पई नौ के नौ स्कंद आ पूर्वरु आमे माने अध्ययन करि सर्चै ये कृष्ण कौन तक बुझिबा पई नौ स्कंदर आवश्यकता अछि। कदाचित एभली भाव रे कहा जाए कि आपत्ति समय रे कोनो से समस्या के समय या मृत्यु के सानिध्यता जते बेले आसे सेते बेले केवल दशम स्कंद पाठ करिबा पई बोली कि बड़े बड़े महात्मा माने भी मध्य कहंती जेते बेले वृद्धत्व आउ किछि कहिबार नाही किछि करिबार सामर्थ्य आम भितर नाही सेते बेले कहा जाय कि दशम स्कंद को पाठ करो के दशम तत्व अथवा दशम स्कंद रो स्वरूप पर वास्तव रे कोन ए दशम स्कंद को बुझिबा पई हेले दशम स्कंद कृष्ण को बुझिबा पई हेले दशम स्कंद आश्रय तत्व कृष्ण को बुझिबा पई हेले नौ के नौ स्कंध जे भल भाव बुझी जानी से ही कृष्ण आश्रित हो पारे समर्थ हम आम जो कहू कि जीवन लक्ष्य कौन फॉर द एम ऑफ लाइफ से जदि आपण सामने 50 जन भी बसी 100 जन भी बसी 1000 भी बैठे हो समस्त आपण अलग अलग मागिबे भ्यू तांको जीवन रो तांको पचारिबे जे तुम्हार जीवन लक्ष्य कौन शायद ऐसा हो सकता है समस्तंकर व्याख्याएं अलग अलग होगा कहार व्याख्या सहित मिशिबो नहीं। ये प्रपंचात्मक जगत भितरे समस्त जीवन रो अलग अलग लक्ष्य आमे निजे निजर लक्ष्य को चयन करथांथि किंतु जीवन लक्ष्य को भल भाव बुझे समस्त उत्तरटा अलग अलग है एकदम जीवन मूल सिद्धांत उपरको जिते बेले जिबे मूल सिद्धांत सत्ता को जिते बेले उपलब्ध करने चेष्टा कर देखिबे लक्ष्य गोटे अलग जीवन आ गोटे अलग जीवन कुछ और है हम लक्ष्य और किसी को मान बैठे ये बड़ा धोखा हो रहा है हम लोगों के साथ जीवन आउ कौन को आउ कहा को बुझीछु एवं लक्ष्य आउ कहा को मानिछु एवं जीवन पथर अतिक्रमण करिवार
दिगहरा लक्ष्यहरा उदासी जहाँ को प्राप्त करने गोटे दिन संकल्प करते से संकल्पित वस्तु द्रव्य लक्ष्य कौट बहुत दूर आम मैंने निज लक्ष्य ठू बहुत दूर को पहुंची जाए पहुंचा को पड़े बल्कि जी जो स्थित अच्छी तार लक्ष्य टाक से दूर रखी था जिंदगी भर चले जीवन जाक पर्यंत दौड़े संघर्ष करे तथापि भी मध्य से लक्ष्य स्थल में पहुंचा तार निजर लक्ष्य स्थल में पहुंचा बहुत ही कठिन कार पाठ होता है ना आज पर्यंत किए पहुंची ये बहुत बड़ा धोखा आम मान सामने हमारे जीवन में बड़ी बड़ी भाषणबाजी भी हम करते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है जीवन लक्ष्य कौन जदि आपन को किए पचार प्रेम लक्ष्य कौन कौन कहे अरे भाई प्रेम का लक्ष्य प्रेम ही तो है प्रेम लक्ष्य जदि आउ किसी ताले प्रेम कौन से महत्व तो नहीं जदि किए कह प्रेम लक्ष्य आउ कौन गोटाए ताले प्रेमटा पुणी कौन तो जीवन लक्ष्य टा जदि आउ कौन किसी आपण के भाई जीवन लक्ष्य जदि आउ कौन किसी ताले ये जीवन टा कौन ये जीवन विषय जिते बड़े भल भाव बुझे भल भाव बुझला बेल को ये जीवन आम मान पाखे बहुत ही कम था हालांकि विज्ञान के और जदि आखि खोलिबे या देखिबे एभली भाव कह जाए पांच फाइव टू सेवेन इयर भीतर आम मान भीतर सारे के सारे जीव कोशिका गुड़ाक मरी जाऊँच अथवा प्रत्येक मुहूर्त मरुच सात वर्ष भीतर आम मान शरीर प्रत्येक कोशिका गुड़ाक मरी जाऊँच आयु काल हूँ से भितर कथा हूँ जिते बड़े आम मान पचरा जाए जीवन लक्ष्य कौन प्रथम तो बुझा को पड़ो जो जीवन टा कौन तापर आप लक्ष्य सिद्धांत को जीवे ये जीवन लक्ष्य टा कौन जन बाबाजी को महाराज को पचरा गला कि बाबाजी महाराज आपण बयस के बोले पांच वर्ष बोले साधु हो फिर भी झूठ बोलते पांच वर्ष आयु आपणकर है पचास षाठी सतुरी वर्ष देखा गला पांच वर्ष कहते एकदम मिछ कथा कहते बोले वही यदि मेरा 65 साल आयु है इस दुनिया में ताले 60 वर्ष पर्यंत मु जीवन रो लक्ष्य खोजु थी जीवन लक्ष्य को चयन करके पुनी से जीवन टा को से लक्ष्य पथरे दौड़ो थी लेकिन 5 साल से मुझे पता चला ये जीवन क्या है से दिन ठु मोर निजर आयु को मु जीवन धारण करुछ से दिन ठारु मु जीउछि अदरवाइज मर रहा था मैं कोथि पई बोले जीवन आ गोटे लक्ष्य स्थल को प्राप्त हेले ही दिव्य आनंद अनुभूति हब यही भ्रम रे मु दौड़ु थी जीवन लक्ष्य टा कौन पड़ी बोले महाराज जदि तलवार गोटाए अच्छे आप पुस्तक टाए अच्छे जदि आपण को कहिबे कि पुस्तक रखिबार लक्ष्य टा कौन पुस्तक लक्ष्य कौन गोटे गाड़ी टाए अच्छी गाड़ी लक्ष्य कौन बोले गाड़ी का कुछ लक्ष्य ही नहीं गाड़ी को आप जो लक्ष्य लक्षित करती से हूँ तार लक्ष्य ये तो साधन है आम मान शरीर टा को जदि भल भाव देखिए ये जीवन ये अंतर दुनिया मन तत्सहित आम मान देह यदि उसी को अच्छा अच्छी तरह अलग अलग विचार को ने बॉडी माइंड इंटेलेक्ट बोली एक देह दुनिया एक मन दुनिया एक बुद्धि दुनिया ये देह मन बुद्धि बॉडी माइंड इंटेलेक्ट उसके और अपर आउटे दुनिया जो मन कर वास्तविक दुनिया जो देह मन प्राण देह मन प्राण बुद्धि ये समस्त को सज्जीवित कर जीवन है हालांकि आम मैंने जीवन को आउ कौन गोटाए बुझीछ
जिस दिन मातृ गर्भ रे जो दिन मातृ गर्भ रु बोले स्वामी जी महाराज रा प्रसंग आपण आम मान को कोडे नै जाउछ एथि पई मु बोली कि नेवा पई कहउछि कथा होछि जे कि जेते बेले मातृ गर्भ रु आम मान कर जन्म हला मातृ गर्भ के लिए आप मर गए जो दिन जन्म हला जो दिन जन्म हवा मातृण आम मान कर दौड़ मरण आड़ मरण आड़ दौड़ आम दौड़ प्रत्येक मुहूर्त आम मान दौड़ हूँ लेकिन ये दौड़ टा कड़क हूँ तार लक्ष्य टा कौन बोली वही ना जहाँ को जीवन बोली भावुंट जीवन लक्ष्य टा हूँ वही मरघट के ओर कबीरदास कहते हैं कि साधो साधो ये मुर्दों का गांव है साधो ये मुर्दों का गांव नारायण तो मरघट के गांव तो मात्रा माता गर्भ पई हमें सिख विदाय विदाय को मृत्यु रो नाम दिया जाए परिवो नहीं नारायण विदाय को मृत्यु रो नाम अन्य नाम किमती देवे तो ठीक से बोली भाव रे ए जगत रु जत्ते बेले विदाय नियंती जोठ विदाय नेबे सेठी रो नाम मृत्यु दे दे परंती लेकिन जोठी प्रकट हेबे सेठी आ गोटे नाम हबो जन्म काली पई हम आमे समस्त मृत्यु काली ता मन को पाखर मृत्यु हेची या काली पई आमे मृत्यु हे सज्ज ये दोनों एंगल सोचने की काली पई आम ठारु ये भूत कालीटा आम मान मरी सारी या काली पाई अथवा जो काली गला ता पाई हमें मृत्यु हो सारी इसलिए अच्छी तरह सोचा जाए प्रत्येक मुहूर्त में हमें माने मरुचु और मर मर के जीते हैं लेकिन जीवन को आ जाएगा नहीं मर रहे थे हम लेकिन महाराज सत्य कथा कहवा को गले जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तीन अवस्था आम मान पाखे अच्छे लेकिन जिते बेले आप परस्थ हूँ देहस्थ हूँ मनस्थ हूँ बुद्धिस्थ हूँ जब जब आप परस्थ हूँ से थकान हो मुंड बथार कारण देह मन बुद्धि किसी ने कहा मेरा सिर दुख रही है स्वामी जी हमने कहा सिर है तो कभी दुखेगी ये कौन सी बात हुई हाँ यही है गुरुदेव को जाने के पचार ले कि गुरुदेव ये गच्छटा कौन क्योंकि फिलिपाइन्स गोटे गच्छटे आने की लगे थे सिद्धवाड़ी रे ये गच्छटा कौन सी व्हाट इज द नेम ऑफ ट्री किसने पूछा गुरुदेव ने कहा भाई ये ब्रह्म का दूसरा विकृत रूप हूँ गच्छटा से लोक आसिक गुरु जी पाखे कहते गुरु जी देखिले देखिले मुझे ये गच्छर ना टा पचार मुझे गच्छर ना पचार गुरुदेव मत कहले ब्रह्मर परम ब्रह्म परमात्मा भगवान कर ये एक विकृत रूप तो गुरु जी मुस्कुराने लगे बोले तुमको जदि गच्छर नाम जानिबार थिला से माली जो काम करथिला ताकु पचारि थांतो किंतु जते बेले गुरुदेव को पचारु चंतिर अर्थ निश्चित भाव रे गुरुदेव जो भली भाव रे बुझी चंती जो लेवल जहा देखा जाउची तंको जो भली भाव रे देखा जाउची से भली भाव रे से कहिबे मन को ठीक से भली ए दुनिया को ए जगत को आमे माने जीव चंती जी रहे हैं कहां जी रहे हैं आत्मस्थ या परस्थ जागृत और स्वप्न दुटा अवस्था रे आम मान जीवन रे आम माने जीवन तो परस्थ जीवन धारण कर परस्थ परस्थर अर्थ आत्मा के अलावा और जो भी है ऊपर है जो मुहूर्त रे अपना आत्मस्थ नुह बोले कि स्वस्थ स्वस्मिन स्थिति जितेबले सी निज भीतर जणे रहउछि सेतेबले दिव्य आनंद रो अनुभूति प्राप्त करउछि जो मुहूर्त से स्वप्न को अथवा सुसुप्ति आश्रय नेला सॉरी जो मुहूर्त से जाग्रत आश्रय नेला जो मुहूर्त से
निजर इंद्रिय मान आश्रय ना से मुहूर्त तार आरंभ हूँ दुख से मुहूर्त आरंभ हूँ तार जंत्रणा क्यों प्रकृति का एक कृति प्रकृति गोटे कृति हूँ जे प्रत्येक मुहूर्त वो व्यक्ति वो प्रकृति उसकी कृति उसका नेचर वो स्वाभाविक भाव प्रकट करे वही करे इसलिए आम मान ऐसा नहीं कि वृद्ध वृद्धत्व आसीगला पर अथवा से जन वृद्धत्व आसला कहीं वो एकदम कोई पुरानी पुरानी चीज खा रहा इसलिए वो पुराना पड़ गया ऐसा है थोड़ी लेकिन उसकी उनके शरीर में जो प्रकृति उसकी वो उसकी कृति दिखा रही है बस। तो कई बार अर्थ जीवन लक्ष्य कौन बोले सतकता कही बोले जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं जीवन का लक्ष्य जीवन है लेकिन जीवन रो अर्थ कौन बोले जीवन रो अर्थ स्वस्मिन स्थित जो परमात्मा परमात्मा चैतन्य रूप जो चित्त आत्मा विद्यमान भीतर भीतर जो भीतर अंतर्निहित सत्ता भीतर जो समस्त को उज्जीवित करुचे संपूर्ण जगत रो कारण संपूर्ण संपूर्ण जगत ब्रह्मांड रो जो चेतन जो चैतन्य पुरुष चाहे कृष्ण बन करके आए चाहे राम बन करके आए कोई समस्या नहीं लेकिन समुद्र समुद्र भीतर मिल जीवार ही तार गति गति समाप्त हुए समुद्र रे मिलवार अर्थ समुद्र बाष्पीकरण है कि घनीभूत है कि जो पहाड़ प्रदेश रे वो टकराहट हो करके जब बारिश होने लगती है लेकिन महाराज ओ वर्षा हवा मात्रेण पावर पहाड़ रे गोहर गुफा भीतर वो बाहरी पड़े कहा पाई कहा को प्राप्त करबा पाई बोले समुद्र को प्राप्त करबा पाई निकल पड़ती ठीक ऐसे ही जतबेले पर्यंत जन व्यक्ति तार चैतन्य सत्ता तार स्व सत्ता को उपलब्ध कर पारि नहीं से पर्यंत से दौड़ लेकिन दौड़ी बारे दौड़ी बा दौड़ने में एक प्यास होना चाहिए शोष ना रहे जहा को शोष लागी नहीं पाखरे कुआं थिले सरोवर थिले नदी थिले से ध्यान ही दबा नहीं लेकिन जहा को प्यास अच्छी जहा को शोष अच्छी किसी ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप कहले कौन मु यही पूजा टिके करी पारु नहीं ध्यान टिके करी पारु नहीं जप टिके करी पारु नहीं सो करी पारु नहीं बोली बहुत बड़ा अफसोस भीतर हो जी मैंने कहा उस अफसोस को और बढ़ा और भूख को और तेज करा तभी जाके आओगे सत्संग में तभी जाके ये संभव हो अन्यथा संभव ही हब नहीं ना पाए तो ठीक से बड़ी भाव रे ये गोपी जन परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण को प्राप्ति करने निमंते उपासना आराधना क्यों बोले वास्तव में अपने सत्ता अपनी सत्ता अपनी स्वस्थ में स्थित हवा निमंते आत्मा सत्ता को उपलब्ध करने निमंते परम सत्ता को उपलब्ध करने निमंते आज सब के सब व्रत कर रही है आराधना कर रही है निरावरण अनावरण हो रही है नारायण सो आज परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण कर जो भक्त मन मान संग मिलन रूपरेख अलग परमात्मा भगवान कृष्ण नवम अध्याय श्रीमद भगवद गीता रे कहती कि मानुषिम तनुमाश्रितम यो अवजानंती माम मूढ़ा माम अवजानंती मानुषिम तनुमाश्रितम जो मैंने मत मनुष्य शरीर बोली विवेचित करती ते मूढ़ा मूढ़ा जना वो मूढ़ जना ते ये जना माम अवजानंती मनुष्य मुते जो माने मनुष्य साधारण मनुष्य बोली विचार करती मूर्ख सो परमात्मा भगवान मानो वही अंतरात्मा समस्त जो बोली भाव रे कहावत अच्छी
एक राम घट घट में बैठा, दूजा राम दशरथ का बेटा। जो दशरथ जी के पुत्र, दशरथ जी के पुत्र कैसे बन करके हमारे सामने विद्यमान। ले गोटे गोटे दृष्टि रे दशरथ राज राजा दशरथ का पुत्र, लेकिन उनकी वास्तविक रूप कौन? वास्तविक रूप होची जे संपूर्ण जड़ चेतन सबुर हृदय भितरे समस्त जगत र अकारण कारण रूप रे परमेश्वर परमात्मा भगवान विद्यमान अछन्ति। तो आज कृष्ण कर ये संकल्प संपूर्ण जो भक्त जन परमात्मा को प्राप्त करिबा निमन्ते अनेको अनेको दिन से मानो अपेक्षा करती, वही समय आज जब आई एवली भावरे कहा जाए परमेश्वर परमात्मा भगवान कदाचित अष्टसखी मानक भितर जाने कृष्ण समस्त रास मंडली अलग अलग कर्मजोगी रास मंडली अलग भक्त मानकर रास मंडली अलग ज्ञानी मानकर रास मंडली अलग। नारायण ज्ञानी मंडल तो ये रास मंडल भीतर समस्त भिन्न भिन्न पिंड पिंड गतिर भिन्न भिन्न। नारायण समस्त स्वरूप अलग अलग समस्त साधनार स्वरूप अलग अलग एभली भाव कह जाए अष्ट सखी मानक जने कृष्ण कोठी कोठी सुहल सुहल जन ये कलाएं हैं षोडश कला षोडश ओ सह बोले कि सोलह सोलह गोपी जन मानकर सोलह जन वृंद मानक भीतर जने कृष्ण आउ कोठी कोठी बत्तीस बत्तीस मानक भीतर जने कृष्ण। लेकिन जन को पास करे एठी बड़ा बड़ा सुंदर भाव रे कहा जाए कि जेते बेले परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के संगे मिलन पूर्वरु ओ गोपिका मुख्य गोपिका यानी कोई कहे कि राधा जी आराधिका वृत्ति रे सना हुआ आराधना वृत्ति रे युक्त थिवा समस्त भक्त जन मानो आज प्रस्तुत हुंते श्रृंगार रस रे रंगित हुंते। एवली भाव कह जाए जिते राधा जी श्रृंगार करती यमुना जी एक सखी वो आती है राधा जी की नुपुर ने की नुपुर देवी भागवत रे बड़ा सुंदर भाव वर्णन अच्छे कि रास मंडली रास भीतर प्रवेश करवा पूर्व यमुना जी आती है नुपुर ने की गंगा जी स्वयं निज उपहार ने की प्रस्तुत हो जाए कौन मंजीर। नारायण वो घुंगुर घुंगुर पायल श्री रमा कटिकिंग कणी जाल माताएं जो अंटा रे पिंधंती जाली जाली वाली करके सो मधु माधवी कंठ हार नहीं क्या आसन एक एक सखिया बीरजा चंद्र हार नहीं क्या सूचन ललिता कंचुकी। नारायण ये नाम है माताएं जाने मेरा रिसर्च इसमें ज्यादा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं विशाखा कंठभूषण चंद्रनना सखी मुद्रिका काली काल एकादशी व्रत जाए महाराज एकादशी देवी रत्न जटित कंगण ने की प्रदान करती राधा जी को आभूषण अथवा भूषित हवा निमंते श्रृंगार करवा निमंते मधुमती दो अंगरे मथामणि ने किया मथामणि सुखदाई एक गोपी के नाम सुखदाई सखी वो दो एवली भाव कहा जाए कि दो कुंडल ने किया आनंदी भाल तोरण जो ऊपर के ऊपर ऐसा उठा हुआ
बोले पद्मा सुंदर बिंदिया बिंदु टिकली टिकली बिंदिया। अच्छा पद्मावती नासिका के मोती, चंद्रकांता शीश फूल हार, एक गोपी एक सखी के नाम सुंदरी, वो चूड़ामणि बेणी बेणी रे, वृंदावन धीश्वरी वृंदावन, जो बोली बाबा रे हमें पूजन करला बेले को ग्राम देवती को स्मरण करू, प्रत्येक उपखंड रो एक देवी मानकर परिकल्पना करा जाए। सो वृंदावन अधीश्वरी चंद्रसूर्य आभूषण एवं परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण, तो जेते बड़े समस्त गोपीजन मानन को आवाहन करते रस उत्सवे ब्रज नारी एकर कर आरे धनी अनंत माया जोग करी सोल सहस्र रूप धारी इत्थं भगवतो गोप्य श्रुत्वा वाच सुपेसरा जोहुर्विजहजं तापं तदंगोपचितासिचः तत्रारवत गोविंद रासा क्रीडा मनोकृतै स्त्रीरत्नै रन्वित प्रीत्यै अन्यन्या बद्धवाहुवे। नारायण गोपी के गोविंद गोटिए स्वर्गे देखंती देवताये रथ उत्सवे ब्रज नारी एकर कर हाते एकर कर आरे धरी। बोले परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रेयसी समस्त सेविका गोपियां जनक हाथ आउ जनक हाथ रे धरिकी समस्ते गोल गोल घूम करके मंडली बना करके परमात्मा भगवान कृष्ण को नहीं कि नर्तन करेंगे रास क्रीड़ा आरंभ करेंगे। स्त्री रत्न अन्वित प्रीति अन्योन्या बद्ध बाहुवी अन्योन्य मानो एकाकार हो गई समस्ते समस्त भाव जदि कोई वृंदावन को मधुवन को जीवे मधुवन भितर जो समस्त लताएं अच्छा कुंजवन भितर ए विशेष प्रकार के वृक्ष केवल वृंदावन में ही पाया जाए अन्य कोटि देखा जाए ना ही से वृक्ष एवं एभली कहा जाए कि भीतर गोटाए गच्छा जदि उपाड़े किसी कारण बस अनेक कुछ होती है कभी कभी गोटे गच्छा जदि उपाड़े ताले भीतरे 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 तार जड़ चित्त से सब सेठी एकाठी लगी एकाकार सर्वे एकाकार सब गुड़ाक जने जन को धरिक रख कोई विशेष प्रकार की कोई अलग वृक्ष है नहीं वृक्ष स्वरूप हूँ से स्त्री रीति अत्न स्त्री रत्न अन्वित प्रीति अन्योन्य बद्ध बाहुवी सबके सब जुड़े हुए किसके कारण जुड़े हुए हैं बोले परमात्मा भगवान कृष्ण के कारण एवं रास उत्सव दर्शन लाल सारे बोले स्वर्ग रे देवता माने दुंदुवी बाती एठी नर्तन कण होचे नर्तन को देखिकी आदि देवता माने स्वर्ग रे भी मध्य अप्सरा मानक सहित गंधर्व मानक संग रे नाचुचंती। गंधर्व गण निज निज पत्नी मानक संग रे भगवान कर निर्मल जसगान पूर्वक वो भी नाच रहे। तो यमुना जी रमणी क्या यमुना जी कर एबली भाव रे कह जाए रमणी रीति रे यमुना जी निज ढेउ रे सुंदर भाव रे
बाली को एभली भाव रे सजे दिछि जो भली भाव रे रंग मंच रे परमात्मा भगवान स्वयं लीला करिवे। और बड़ा सुंदर सुखदेव जी कर एभली भाव रे कहा जाए सुखदेव जी कर श्लोक लेखु लेखु एभली देखा जाउ शब्द र विन्यास एभली भाव रे इठी ऐसा लगता है कि ओ कृष्ण कर नर्तन सहित तो श्री सुखदेव जी श्लोक शब्द गुड़ाक मान नाचुचार तत्राति सुशुभेना ताभेर भगवान देवकी सुत मध्ये मणिना हेमाना महामरकतो यथा पादोन्यासेर भुज विद्युतिभिः संस्मितैः भ्रूविलासैः भज्यन् मध्ये चलकुचपटैः कुण्डलैः दण्डलोलैः स्विद्यन् मुख्य कबररसना ग्रन्थय कृष्णबन्ध्यो गायन्त्यस्तं तडितैव तामेघचक्रे विरेजो। बड़े बड़े महात्मा माने कहते देखो कृष्ण कर नर्तन सहित आज श्री सुखदेव जी कर शब्द भी मान आज नाचुची पादो न्यासेर भुज विद्युति विद्युति भी संस्मिते भ्रू विलासे भज्यन मध्ये चल कुचपटे कुचपटे कुंडले गंडलोले सिद्धियन सिद्धियन मुख्य कबर रसना ग्रंथय कृष्ण बद्धो गायन्त्यस्तं तडितैव तामेघ चक्रे विदेजुः। नृत्य समय रे ए समस्त गोपीजन माने जो वृंदावन रे परमेश्वर परमात्मा भगवान कर हाथ धरी चंद अथवा परमात्मा भगवान को दर्शन करती ओ कृष्ण कर नर्तन सहित तथा संग रे ताल देवा निमंते ताल देते देते पादोन्यासे भुज विद्युति में पादोन्यासे बोले ओ ठुमक ठुमक दे दे की नाचिबा पई आरंभ करले गोपीजन माने केबे तो आग को पाद बढ़ुचे केबे तो पछ को सस्मिते रहु विलासे निज गति अनुसार धीरे धीरे पाद रखती एबे केबे केबे बाहर को बाहर कर कदाचित निजे निजे चारिपटे बुलुचन कहां गए घनश्याम मोरे आखिया प्यासी रे निजर चारिपटे बुलिवार अर्थ कौन बोला सुंदर ये है कि मनकर संपूर्ण जीवन देह मन बुद्धि इंद्रिया मानो एक 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 प्रवृत्ति एक एक गोपियां एक एक सखी इन अपने स्वयं आत्मा के बिना चलो जीवात्मा के बिना आत्मा बिना चैतन्य बिना जो बोली भाव समस्त वृत्ति गुड़ाक कौन सी अस्तित्व ही नहीं मरी जाएगी ये लोग। चैतन्य आत्मा बिना अथवा ये जीव बिना ये शरीर ये शिव बिना ये देह वो सब तो परमात्मा सत्ता बिना ये शरीर कौन सी अस्तित्व ही नहीं। बड़ा सुंदर प्रक्रिया को जदि जन व्यक्ति प्रकृति को अनुध्यान करिवा सतरे हो रास मंडली भीतर ऐसे ही प्रवेश मिल जाएगी किंतु समय कते बेले आम मानक पाखरे आप जब छत के ऊपर कभी अकेले बैठो से भीतर भी मध्य अपन को रास ही दिखा दी संपूर्ण नक्षत्र मंडली सुंदर हस 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 छटा भीतर मानो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को आलोक आलोकित करने वाली छोटी छोटी झिलमिल मानो हंस रहे मुस्कान और इनकी मुस्कान के पीछे परमेश्वर परमात्मा भगवान की चैतन्यता ही कारण है जो कारण मुतकु देखिवार समर्थ होची सही कारण रे सही ओ ग्रह मंडल भीतर ओ नक्षत्र गुड़ा का भी झिलमिल झिलमिल है कि मुस्कुराउछन। सो समस्त चंद्रमा ए समस्त नक्षत्र गुड़ा का यदि एक एक गोपी हुंती
ताले चंद्रमा होचंती स्वयं कृष्ण। सारे के सारे गोपीजन यदि बादल होते, से बादल की टकराहट रे प्रकट होतिबा मानो वो बिजली परमात्मा भगवान कृष्ण है। तो नाची नाची नाचिला बेले कदाचित श्री सुखदेव जी का अनुध्यान देख सो नाचिला बेले एभली मुद्रा देखांती जो भली बाबर कमर उनकी क्या अंटा भांगी गला सतरे फिर नारायण झुकने बैठने उठने चलने समस्त प्रक्रिया क्रिया करते हुए परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण को अनुध्यान करती और कर्णर कुंडल शायद अपने आप को धन्य मने करुथ नारायण सो कहिबार अर्थ परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ये कुंडल देने वाले सुखदायी गोपी कर्णर कुंडल हली हली की मानो निजर कपोल रे ऐसी की लगुची परमेश्वर परमात्मा भगवान। तो कदाचित ये भी मध्य गोपीजन माने सखीजन माने नर्तन करी 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 श्रवबिंदु गोटाए परे गोटाए गोटाए परे गोटाए झर 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 अठ ओठ अथवा ओष्ठ टपकने लगी। नारायण उच्चैर जगुर्नन नृत्यमानाम रक्तकंठ्यो रतिप्रिया कृष्णा भेरमर समुदिता यद्गितेने दमामृतं काचित् समं मुकुंदेन स्वरजातिरमिश्रिता उर्निन्ये पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विति तदेव तदेव ध्रुवमुन्नेन्ये तस्यैमान्यं चबह्वदात। नारायण परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण कर शंगरे जो ज्ञानी भक्त जन माने नर्तन करती ज्ञानी जन कर कृष्णटा बाहर जाती जो निजर जो आत्मा परमात्मा संगरे एकाकार हो गला लेकिन ये गोटे दिन अभ्यास तो नुह कल जिते बड़े परमात्मा भगवान कृष्ण प्रकटित हबार जो प्रसंग आम देखुले सो परमेश्वर परमात्मा भगवान तासामाभिरबुच्छौरि स्वयमान सुखाम्बुज पीतांबर धर स्रग्भि साक्षान मन्मथ। परमात्मा भगवान कृष्ण जिते बड़े प्रकटित हेले कि कोभली भाव कहार कोभली भाव दृष्टि कल दर्शन रज वास्तविक रूपरेख इन सीखना चाहिए कल आमे विचार करूथले जे कि जने गोपी एकदम गाढ़ से गाढ़ कर कृष्ण को दर्शन करती एकदम आंख अपलक नयन रे कृष्ण को दर्शन करते 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 स्तंभी स्तंभमान हो करके तो आखि बंद कर दउची तको जरे आखि तो खोल बोली ना ना ये कृष्ण को विश्वास नहीं कृष्ण शायद मते छाड़ी की पण चले जो बड़ा विचित्र दर्शन रो तरीका दर्शन नुक्सा गोपी जन मान कर बोले शायद मन सिंहासन भीतर चक्षु संपुट द्वारा नहीं कि कृष्ण को स्थापना करते एवं मन ही मन आलिंगन करते मन ही मन भोजन कराती मन ही मन नचाती मन ही मन खुद नाचती ये कोटि संभव हो। और यदि ए स्थिति में जन व्यक्ति जीवची नाचुची गाउची हसुची बसुची उस व्यक्ति को अथवा ऐसी गोपी ऐसे भक्त जन के प्रति शरीर रतिक्रीड़ा शरीर रूपरेख शरीर संबंध महाराज ये कभी टिकती नहीं है। ईमानदार पूर्वक सोचो तो टिकती नहीं है। ये देह रति नहीं है थी ये तो आत्म रति इतिरास आत्मा परमात्मा कर मिलन ही रास है। आत्मा परमात्मा कर एकाकार ही रास है। और सत्रे ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड टाकू जदि आप लक्षित करीबे रास ही तो चली थी
सूर्यंकर उताप सही की प्रकट हेले बाष्पीकरण हेला जल, लेकिन बाष्पीकरण के साथ साथ बाष्पीकरण हबार अर्थ माने समुद्र गर्भ से एक कण मृत्यु आड़ को अग्रसर है कि घूमते घूमते बादल बन करके फिर नदियां बनती है एवं समस्त दौड़े यथा निम्न गाहा सागरम इच्छन्ति। नदी माने जो बोली बाबा समुद्र को प्राप्त न करी विश्राम नियंते नहीं, ये गोपी जन मानकर गोपी जन एक एक वृत्ति ही मानो एक एक गोपी एक एक नदियां, और परमात्मा भगवान कृष्ण समस्त नदियां दौड़ पड़ी आदि कृष्ण से मिलवा पाए कृष्ण का संग रे मिलवा पाए। लेकिन ध्यान देना जितेबले नदी समुद्र संग रे मिले खंडे दूर उजाणी आसी थी नदी अचानक ये संगम स्थल स्वरूप भल भाव देखिए जो गला परे जो तीव्रता धीरे 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 शांत हो जाए जो दौड़ जो स्पीड नदी जो चलचंचलता जो कल कल निनाद धीरे 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 समाप्त हो जाए जिते बेले से समुद्र गर्भ रे बिलीन है बिलीन है बेले को खंडे दूर जो बोली भाव उजाणी बहुत मान गोटे दृष्टि तो ये जे समुद्र टा ये नदी को मिशिबा पई सतरे जेमती दो नाही तुजा तुजा, किंतु आ गोटे दृष्टि देखिले जो नदी गुडा को समुद्र को मिलिबा पई आसंती उजाणी बहुत थीवा नदी अथवा समुद्र ढे गुडा को मानो ताकु ठेलु थीबो पेलु थीबो गोटे दृष्टि ये देखिबे आ गोटे दृष्टि देखिले जदि सेपाखुल देखिबे सतेजे परी समुद्र बहुत नदी गर्भ रे प्रवेश पूर्वक नदी को मानो आज बाहु विस्तार करिबा पई मानो नदी को आज कोलाग्रत करिबा निमंते मानो समुद्र किछ दूर चली आसी जी नदी भीतर को संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड टा रे जदि आपण रास दृष्टि रे देखिबे सदैव सर्वत्र सदैव चली छि ये एक यज्ञ है एक विशेष प्रकार की यज्ञ है नारे अम्मन कर कर्म के अनुरूप अम ये पंच महाभूत शरीर निर्माण हला। लेकिन पंच महाभूत पुणी कोठी विलीन हब जो मुहूर्त शरीर अलग निर्माण है प्रत्येक मुहूर्त से चेष्टा कर प्रकृति ये चेष्टा आम मान वृद्धत्व कारण हो जाए आज्ञा क्यों बोले प्रकृति ही दौड़ी से प्रकृति सहित कृति प्रकृति कृति हूँ तो प्रकृति सहित मिलवा चेष्टा हूँ तो संस्कृति अन्यथा ये जीव अथवा मनुष्य के अलावा समस्त को तो अन्न भोजन उपलब्ध अच्छी कहार एत बड़ कामना नहीं जार जो भाई भाव में मनीषर अच्छे का भोजन थे भी चिंतित है कि शयन कर जने हालांकि अच्छी बात है कि कम से कम जने व्यक्ति भीतर पुरुषार्थ देखा जाऊँ जीवन जीवाई खावाई रही सबुति से संघर्ष कर जीवन जीवाई ये मनीष ही संघर्ष नारायण आज का चीज काल को रखता है ये मनीष लेकिन दूसरे दूसरों के लिए तो अवेलेबल है धरती अवेलेबल है आकाश गगन सो मनीष टाए सदैव जीवाई चाहूचे और जीवाई चाहिए कौन हम ये जो प्रकृति को आधारित करी आमे माने जीवन धारण करुचे प्रकृति टा ये वास्तव कृति ठारु वास्तव महाभूत ठारु अलग है कि आम भीतर जो कर्म फल देवा निमंते पांचटा महाभूत एक शरीर संगठन निर्माण कर कर्म फल भोग संगरे 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 ये शरीर ठारु आमे माने विदाय जबरदस्ती नवाक पड़े ता वास्तविक तत्व को बुझी की कदाचित हम लोग जी रहे हैं जी जा रहे हैं ये प्राण नबार निश्वास प्रश्वास नबार ना को जीवन कह चुके बास खाओ पियो मौज कर वाकु ही जीवन रो व्याख्या बुझी गला नहीं इसलिए जीवन रो लक्ष्य टा हो दिशाहीन कोठी पहुंचे बुझाने
स्वस्थित स्थित इति स्वस्थ, कृष्ण स्थित स्थित इति स्वस्थ। वो कृष्ण जो चेतन बनकर के संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे विद्यमान, सर्व अकारण कारण रूप रे विद्यमान, आज समस्त गोपीजन कृष्ण के साथ मिलवा पाई, न जाने किस किस कितने जन्मों का पुण्य, कितने जन्मों का पुरुषार्थ बल रे, भक्ति पुरुषार्थ बल रे। कृष्ण भक्त जन हृदय तंत्र भित्रे जाके भावना, जहार भावना जो भली भाव रे परमात्मा भगवान तक सही भली भाव रे उपलब्ध हो जाए। नृत्यन्ति गायति काचित् कुजन्नो पुरमेखला पार्श्वस्था चितहस्ताब्जं श्रान्ताधात् स्तनयो शिवम् तत्रैकासगतं बाहु कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्द्रनालिप्तमाघ्नाय रुष्टरोमा चुचुम्बः। नारायण। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सो कदाचित कोनसी सखीर कांधरे हाथ रखती और कृष्ण कर हाथ को निजर वक्षस्थल रखती, कम से कम वो जो तड़प, जो व्याकुलता, जो विरहता वो शांत हो, एहसास एहसास हो कि कम से कम कृष्ण मोर संगरे अच्छे। जने गोपी नृत्य करुची, नारायण, कस्याचित् नाट्य विक्षिप्त कुंडलस्तुति समंडितम् गंडम गंडे संदधतिया अदात्ताम्बुलचर्वितम्। परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण जो तांबुल टिकी चर्वण कर चो तांबुल टिकी नहीं आस प्रसाद है, हो सके प्रेमी का लक्षण सो परमात्मा भगवान ए बड़ी भाव रे कह जाए कि वो जो राग को राग रे नर्तन करती, को राग रे वाद्य यंत्र माने रास मंडली भीतर बाजुथिले नारे, ए बड़ी भाव रे कह जाए रास वाद्य कौन कौन, मृदंग, वीणा, बंसी, मुरचुंग, झांझ, करताल और सबस्त पाखे अवेलेबल थी ताली ताली। नारायण। एभली भाव में कह जाए राग भैरव, कभी मेघमल्लार, कभी दीपक, जो स्वर विज्ञान करन रखने वाले जो भजन संध्या अपन माने करुचन तो कम से कम उनको ज्यादा ज्ञान होगा कौन सी राग कैसा है। मालकेश, श्री राग, छिंदोल आदि राग रे परमात्मा भगवान कृष्ण कभी आलाप करती, गोपीजन निजे नर्तन करती एवं गोपीजन माने मध्य नर्तन करती। नारायण। एभली भाव में कह जाए आठ तली, तीन ग्राम, सप्त स्वर रे गोपीजन माने परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण को संगरे नर्तन करती और इसी नर्तन को अपेक्षारत अनेकों दिनों अनेकों जन्मों से देवता माने मानो परमेश्वर परमात्मा भगवान कर रास क्रीड़ा को देखी कि स्वर्ग देवंगना माने भी मध्य मोहित ही जानते नारायण। ताभिर्युत श्रम मपो युत मंग मंग संग दृष्ट स्रज सकुच कुंकुम रंजितायाम गंधर्व पाल अभिरनुद्रुत अभिसद्वा श्रांतो गजि भिरिभारा डिव भिर्न सेतु। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण नर्तन करते 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 नर्तन करते समस्त गोपीजन मानंकु शोष हवा पाई लगेला नारायण। ओ नर्तन करिवार अथवा श्रम बिंदु नाच नाच के थक जाती थी तो प्यास लगी
परमात्मा भगवान कृष्ण को कि जने कहले कि प्रभु जी थोड़ा जल तो दीजिए। परमात्मा भगवान निजर जो बेत्र जो बाड़ी खंडक अच्छी बेत्र रे धरती को थोड़ा सा ये कर, तो थोड़ा सा लगा के थोड़ा सा ये कर दे, बेत्र रे टिके खोले देले, सो सेटी गंगा जी स्वयं प्रकटित हवा पाए लगे। एवं भी मध्य कुंज वन भीतर एक कुआ है जोटा कहते कुआ जाए कि बेत्र गंगा, तो बेत्र गंगा प्रकटित कले परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण समस्त प्यास निवृत्ति है एवं समस्त को और दिव्य आनंद दबा निमंते करुणा सिंधु जमुना रे जल क्रीड़ा करिबा निमंते समस्त गोपीजन मान को लेकर जानते अनेकों जन्मों से तपस्या करके मानो जमुना जी भी अपेक्षा कर किया था। बड़ी अद्भुत अद्भुत सा लीला परमात्मा भगवान नारायण वो जल भीतर प्रवेश पूर्वक के नाव रे खेलु चंदी तो किए परमात्मा भगवान कृष्ण को उछाल उछाल के जल फिंगुचि के भगवान कृष्ण का प्रभु जल फिंगुच भाव कहा जाए ये तो अभी अभी की ये घटना घटी थी कभी हजारों वर्ष पूर्व भी मध्य बड़े बड़े महात्मा जन वैष्णव जन परमात्मा भगवान कर दिव्य लीला को मध्य प्रत्यक्षीकरण करते भाव कहा जाए दो वैष्णव जन वैष्णव ध्यान लगाए 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 धीरे धीरे नाकरू अथवा आखिर पानी बहुवा लगे अथवा दीर्घ सांस आने लगी तो आज जन महात्मा को कहले कि आम गुरु जी एमभली कौन की दशा एमती कौन दशा दीर्घ निश्वास आखिर पानी बही गला केते बड़े एकदम पूरा कुंभक करके प्राण को बहुत समय पर्यंत प्राण स्तंभ प्राण स्तंभन करके बसी जन तो तंकर जी बंधु आउ जने वैष्णव तंक पछरे ध्यान लगेले कि ये इनकी मन की गति क्या है कर क्या रहे हो क्या रहा है। महाराज पाखरे थिबा बंधु से भी मध्य ध्यान करिबा पाई लगेले और ध्यान रा परिणाम ता हला किछि समय परे ये बंधुकर जो भली अवस्था थिला से बंधु भी मध्य से भली दीर्घ सांस से नाक से पानी आंखों से पानी लंबी लंबी प्राण की स्तंभन दो मिनट दो 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 मिनट तीन तीन मिनट चार मिनट पांच पांच मिनट एकदम सांसें बंद बोले कि ये गुरु जी आपण को ये कौन हैला आपण तो जाइथिले देखिबा पई कि सेठी घटना कौन घटुछ तो जेते बेले एकदम तांको जागृत करेले हिला के जल आदि संचन करके गुरु जी तो चिल्ला अपने जोर से ओ मिल गया मिल गया मिल गया। अरे मिल गया कौन मिल गया भाई तो जबरदस्ती तांकर हाथटा खोलिला बेले को बालू पंक मिश्रित हाथ रे मेंचाए बालू पंक मिश्रित अछि और ता भीतर एक हीरे की एक अंगूठा हीरा रे एक अंगूठा मुद्रिका तांको जेते बेले पचार गला महाराज कौन मिली गला काई चित्कार करथिले बोरे अरे पागल मैं तो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के संग रे जल क्रीड़ा करथिली जमुना रे अनायास ओ समस्त सखियों के गोपीजनों की गोपी गोपियों के स्वामिनी सखियों के स्वामिनी आराधिका वृत्ति से संपन्न श्री राधिका जी कर जल क्रीड़ा करू करू हस्तर मुद्रिका ये मुद्रिका खो गई एवं आम समस्त गोपीजन माने बुड़ी बुड़ी की बुड़ी बुड़ी खोजु थिलु जमुनार प्रभा भितरे मुद्रिका गला कुआड़े तो मुझे मिल गया ये पागल तुम लोगों को जगाने की क्या जरूरत है। महाराज एवली भावरे कहा जाए पुनः ध्यान करने लगे वैष्णव फिर ध्यान से ऐसी दशा प्राप्त हुई आंखों से आंसू आनंद आश्रु एवं पुनः
फिर छट से अचेत हो गए। पुनः देखिले अड़ुतांका हाथ रे आउ से मुद्रिका नहीं। ऐसे ऐसे दिव्य कथाएं एवं भी मध्य घटित हो जी, एवं भी मध्य ओ घटित हो जी, जो ठी राधा कृष्ण कर कुंज वनर जो राधा जी की मंदिर महाराज कितनी मीडिया ये 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 रात्रि काल रे से माने ताला पकी कैसे भी सब ठीक ठाक देखी ठाकुर जी कर पाई सज्जिया जमति जगन्नाथ भगवान कर पाई खट पलंग से सरे सुनार पलंग को बिछा जाए और ठाकुर जी कर शयन नीति हुए बड़ा सिंगार वेश परे एवं ता पर दिन पंडा जते बेले जानती देखंती जे वो सुवर्ण पलंग करे जहां भी प्रदान कर जाए भगवान श्री जगन्नाथ को सब इतस्तत पड़ा तो ठीक से भली भाव एवं भी मध्य से घटित होती वृंदावन की कुंजवन भितर जो सिंदूर फरुआ ता मन मन खोली जाए से भितर सिंदूर पाख से पाख इतस्तत भाव पड़ थो जहां भोजन सामग्री अथवा जो शयन सामग्री सब इधर उधर इधर जो इतर जो सुगंध द्रव्य आदि बस ये प्रमाण आम मान को सब प्रमाण आवश्यकता थी ना बिना प्रमाण के बिना चमत्कार के बिना घटना के आम मान कर बुद्धि स्थिर होने वाला है नहीं। स्वाजी परमेश्वर परमात्मा सर्वाम सरत काव्य कथा रसास्त्र या परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ए भली भाव रे समस्त गोपीजन मानक भाषा रे नाचंती आ गान करंती तबे प्रश्न करुचंती श्री परीक्षित महाराज संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः सकथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतिपमाचरत ब्रह्म परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपति कृतवान्वै जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतम् नः संशयम् छिन्धि सुब्रत। आज करहस्थ जोड़ी की मानव श्री सुखदेव जी के पाखरे परीक्षित प्रश्न करंती प्रश्न रूपरेख धर्म पालन नरहरि से किंपा अधर्म आचरी जगत जन गुरु पिता नृपति अनि नीति अनीति अधिष्ठाता जानाम मुक्ति पसरा से किंपा कले परदारा जगत जन गुरु पिता नीति अनीति अधिष्ठाता। सुखदेव पाखु परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण दिव्य लीला रास लीला को श्रवण करिबा परे श्री परीक्षित भीतर भी प्रश्न आसे कि धर्म पालन नरहरि करुणा सिंधु संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर। नारायण ये करुणा सिंधु परमेश्वर परमात्मा भगवान धर्म स्थापना करिबा पई आसीथिले लेकिन ये दुष्कर कर्म को बोली भाव रे घटी थला परमात्मा भगवान कृष्ण को पाखे देखो ए बोली भाव रे कह जाय नियम वास्तव रे कहा पाई नियम जगत जन पाई लेकिन जगन्नाथ ये नियम बनाने वाला कौन बोले जगन्नाथ नियम पालन करने वाले बोले जगत नियम बनाने वाले जगन्नाथ। अच्छा
आम मैंने विचार करती यदि वो नियम नियम के अंतर्गत जीव आसिले ठीक अच्छे लेकिन नियम के अंतर्गत जदि जनार्दन आसिले ताले बड़ा कौन हुआ नियम या नियामक आउथरे कौन ये नियम बनाने वाला जहाँ अपना धर्म कहते ये धर्म बनाने वाला कौन बोले ईश्वर विधान बनाने वाला ईश्वर नियम बनाने वाला नियंता बोले ईश्वर विधान बनाने वाला विधाता बोले ईश्वर सृष्टि बनाने वाला सृष्टा ईश्वर तो सृष्टि को जो बना सकता है बिगाड़ सकता है यदि सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर सृष्टा सृष्टि को बिगाड़ भी सकता है तो ईश्वर ही बिगाड़ेगा मनुष्य का क्या हैसियत है भाई सृष्टि को बिगाड़ने के लिए लेकिन ये भी एक ही बड़ा सुंदर भाव रे श्री परीक्षित महाराज को चली देखो ये तो धर्म व्यतिक्रमो दृष्टम ईश्वराणाम च साहसम ईश्वर के पाखरे ही धर्म को अतिक्रमण करिवार निमन्ते साहस थाय अदर अन्यथा ये जीव पाखरे ये साहस अथवा ये जीव पाखरे ऐसी क्या बड़ ही नहीं जे इतनी अधर्म भी कर ले जो बोले बाबरे कहा जाए धर्म व्यतिक्रमो दृष्टो ईश्वराणाम च साहसम तेजियताम तेजियसाम न दोषाय बन्हे सर्वभुजो यथा ए बोले बाबरे कहा जाए कि यदि धर्म व्यतिक्रम करिवार साहस सामर्थ्य का पाखे अच्छी तो केवल ईश्वर जो बोली भाव सूर्य सूर्य कोई मल उपर भी सूर्य प्रकाश सबुठ पड़ू जो बोली भाव वायु ये दुर्गंध उपर भी आसुची और सुगंध उपर भी तार प्रकाश हो वायु भितर कौन सी दोष ना जो जल नित्य निरंतर प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो शुद्ध रूप प्रवाहित प्रवाह जल भितर दोष ना सूर्य दोष ना बोले परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री शंकर जी जिते बड़े विषपान करुचंती वो साहस तो केवल शंकर भगवान पार कर पारे ऐसे साहस तो केवल और केवल विषपान करना नियम नहीं है लेकिन से नियम कहीं जे विषपान कर मृत्यु हम लेकिन विषपान करिवार साहस यदि का पाखे तो शंकर भगवान के पाखे तो ऐसे साहस कृष्ण ही कर सकते हैं ये जीवर व्याख्या न हो ये शिवर व्याख्या ये परमात्मा भगवान ही करिपरिवे नारायण और द्वितीय कथा परमात्मा भगवान को पाई किछि पर न हो आ गया परमात्मा को सब तो अपने ही है अपने आत्मा ठरू अपन विच्युत केमती है आत्मा ठरू अलग केमती है आत्मा अथवा मु पई मोर देह टा पर हे पारे मु पई मोर मन टा पर मु पई मोर बुद्धि टा पर मु पई मोर स्वभाव टा पर कहेंगे ना ये मोर स्वभाव स्वभाव एवं अपन इठू अलग ही पारन लेकिन मूत्व मैं अपने मुझ में पर नहीं हो सकता आत्मा परमात्मा भी तेरे पर की नारायण तेजीय सामन दोषाय बन्हे सर्व भुजो यथा नहीं तत्समाचरे जातु मनसा पीजनेश्वर विनश्यत्याचरण मौढ़्याम यथा रुद्रो ध्वजम विषम परमात्मा भगवान से कृष्ण ही भी हलाहल विष प्राप्त करी अथवा पी की पार करी वार्ता पाखे साहस कहेंगे ना उसी के अंदर जाके वो विष भी भस्म है वो परमात्मा भगवान कृष्ण ही हलाहल विष पान करिवार समर्थ पुतनार ईश्वराणाम बच सत्यम तथे वाचरिगम ऋतम कचित तेसाम यत
स्वबचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरे। सेतिपाई कहा जाए जने आचरण करीब अपनी साह अपनी अधिकार अपनी सामर्थ्य अपनी वचनों को सत्य करीबा निमंते जने आचरण करीब। परमात्मा जी अग्नि पान करी पारुची ओ रास मंडली भीतर साहस सबन आसीबो नर्तन करीबा पई ये जीवर व्याख्या नुह आज्ञा पुणी आउ थरे कहुछ ये मनुष्य व्याख्या नुह ये ईश्वर व्याख्या है ये ये जीवर लीला नुह जीवर कर्म ही पारे जीवर भोग ही पारे जीव जीव कर्म करे लेकिन ईश्वर कर्म करते नहीं ईश्वर लीला करते ईश्वर लीला इथिपाई करते। परमात्मा भगवान कृष्ण श्रीमद भगवद गीता निजे ही कहती अर्जुन को न पार्थ न मे पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। नारायण मोर वास्तव में कौन सी कामना नहीं जदि कामना ही नहीं तो कर्म भी मध्य नहीं क्योंकि संकल्प मात्रे न समस्त विश्व ब्रह्मांड आत जात हुंति सेतिपाई मो संकल्प इच्छा मात्रे न तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रचना ही पारे सेतिपाई मते कर्म करिवार आवश्यकता कौन। लेकिन एक स्थिति रे जाय कि समस्त भक्तजन मानको परमात्मा भगवान उद्घोषण भी मध्य करंति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो परमात्मा भगवान कृष्णंकर पदारविंद को प्राप्त करिबा पई जन्म जन्म रति जन्म जन्म मुनि नानादि प्रकार की तपस्या नानादि प्रकार चेष्टा करे उपासना करे आराधना करे श्री कृष्ण आज बड़े बड़े योगीजन माने जो कृष्ण जो निजर समाधि जाकर प्राप्त करती ऐसे ही जो कृष्ण आज गोपीजन मानकर हाथ रे हाथ देखी नाचुचंती गाउचंती केवल से नु अनुग्रहाय भूतानां मानु संदेह मास्तितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। करुणा सिंधु भगवान जीव मानक उपरे कृपा करिवा निमंते मनुष्य रूपरे प्रकटित हुवंती और जो चरित्र को श्रवण करके परमेश्वर परमात्मा भगवान का संगरे युकाकार है जीवा आर आवश्यकता अछि केवल सेति किनो नासुयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान्दारान ब्रजो कसह। ये बहुत बड़ा इंपोर्टेंट श्लोक है 38 नंबर श्लोक 33 अध्याय और 38 नंबर श्लोक जो ठीक है आम मानकर ये भली जो प्रश्न आम मन के भीतर कदाचित अथवा कौन से भक्त भीतर ये भली प्रश्न ही पारे जे परमात्मा भगवान जहां संगरे लीला करते वो है कौन है कौन नासुयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया ब्रजवासी माने अथवा जो गोपाल माने गोपो माने जहांकर पत्नी आज कृष्णक संगरे अछि नर्तन करुची गाउची नाचुची अंग संग करुची से माने कोनसी गोपाल माने कोनसी गोपो माने दोष बुद्धि देखिले नाही दोष बुद्धि से मानक चित्त वृत्ति भीतर आसिला नाही काई जानंती आसिला नाही मन्यमाना सुपार्श्व स्थान मन्यमाना ये समस्त गोपाल माने गोप माने जानती आम पत्नी आम पक्षे अच्छा मन्यमाना सुपार्श्व स्थान स्वान स्वान द्वारान ब्रज कसह। बहुत सुंदर समस्त जानती जे मो पत्नी आम घरे ही अच्छी एवं काली जो भली दिव्य आनंद दौला आज भी आज उससे और कहीं गुना अधिक आनंद एहसास दर्शन एहसास प्रसन्न एहसास क्यों पता है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जिते बेले परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण मोहिनी अवतार रे समुद्र मंथन बेले रे अमृत को बचाने के लिए करुणा सिंधु भगवान मोहिनी अवतार रे प्रकटित थिला कुछ देवता लोग
किसी भक्त मोहिनी को देखिक मन मन विचार करती, हे मेरे ठाकुर पत्नी हो तो तेरे जैसे। भगवान कृष्ण ने कहा मैं पत्नी बन करके भी आऊंगा। स्वाजी गोपाल बालक गोपाल मानक पाखरे गोप मानक पाखरे रास मंडली रे ए पाखरे अन्य अथवा गोप मानक पत्नी यानी गोपीजन मानक संगरे नर्तन गान करला बेले रास रचेला बेले ए पाखरे कृष्ण भगवान समस्त गोपाल गोपाल मानक पाखरे कृष्ण तंकर पत्नी ही के अच्छा। हरे कृष्ण नारे ब्रह्मरात उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिचिंत्यो ययुर्गोप्य सगृहान भगवत प्रिया विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयादथ वर्णयेत्य भक्तिं पराय भगवती प्रतिलभ्य कामम् भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् रुद्रोगमाश्वपहितो त्यचिरेण धीरः। हे परीक्षित जो धीर पुरुष ब्रजयुवती मानक संगरे परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण करे बड़ी चिन्मय रास विलास इतिहास को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे तो स्वाभाविक भाव रे परमेश्वर परमात्मा भगवान कर श्री चरण अरविंद रे भक्ति है जाए। नारायण सब लोग इसी के साथ ही अध्याय को यहाँ पूरा करते हैं, कल आगे के लिए देखेंगे। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, ओ भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, मुरली वाले आजा ओ वंशी वाले आजा, मुरली वाले आजा ओ वंशी वाले आजा, तू बांसुरी सुना जा श्याम मोरे आजा, तेरी बांसुरी सुना जा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, माखन चोर आजा ओ नंद किशोर आजा, माखन चोर आजा ओ नंद किशोर आजा, तू माखन चुरा जा श्याम मोरे आजा, ओ भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, नागन थैया जा ओ रासर थैया जा, नागन थैया जा ओ रासर थैया जा, तू रास तो रचा जा श्याम मोरे आजा, तू रास तो रचा जा श्याम मोरे आजा, गोपाल आजा ओ नंदलाल आजा, गोपाल आजा ओ नंदलाल आजा, तू दर्शन दिखा जा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, गिरधारी आजा ओ बनवारी आजा, गिरधारी आजा ओ बनवारी आजा, मेरे मन में मेरे हृदय में समा जा श्याम मोरे आ जाओ, भक्तों के राजा श्याम मोरे आ जा। श्रीभक्त वत्सल भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्,
ओरुबारु कमिव वंदनात् मृत्योर मोक्षे यमामृतात् ओम शांति 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 हरि ओम। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। वर्तमान आम भागवत संगीत प्रवेश करवा आज पारायण दशम स्कंदर चतुस्त्रिश अध्याय चौतीस नंबर पारायण कह आज आम श्रीमती अनिता महांती माँ अनिता जी आप अनम्यूट हूँ चौतीस नंबर अध्याय पाठ कर। रासलीला रो नाना रस चतुर्थी संसारे सुप्रकाश श्री सुकोवाच कहंती व्यासंक तनुज सुना परीक्षा महाराज गोपीए कृष्ण बोला सुनी चिंता छाड़ी ले माने गुणी से बाली कुदे ऋषि के आरंभ कले केणी रस रास उच्चे ब्रज नारी एक कर आरे धारी अनंत माया जोग करी सोलह सहस्र रूप धारी गोपी के गोविंद गोटिए स्वर्ग देखती देवताए के कंठ तटे भिड़ी तो से चुम्बन दियंती हरा से कृष्ण र देखी क्रीड़ा रस हृदय से होइले हरस गंधर्व जख्यापसारी विमाने गगने संचारी देखती गोविंद र केली सकल स्वर्ग लोके मिली तुंदु भी नाद गीत स्वरे कुसुम बरसंती सिरे गंधर्वे अपसरी मेले नृत्य करंती रस भोले हरि विनोदे वज्र नारी आनंदे वृंदावने पुरी पलय नुपुर सब दे किंकिनी ताल गीत नदी के न सुनती चहल कृष्ण र माया जोग बल नील मार्क मध्य करी बेड़ी सुवन पचेरी गोपिंक मध्य रे श्रीरंग सुंदर गोटिए अनंग नृत्य करती गोप नारी गीते मोहिले नर हरी पाद चलती अंग भंगे भ्रुकुटी कुटीला नंगे कुच मंडल वस्त्र चली नाचंती देई कर चली मुखे सोहाई श्रम झाड़ कबारी खसी फूल माला वस्त्र पड़ाई फिटी तले कटी में खड़ा संभाले बिजुली जेने कला मेघे दिसंती गोविंद र लगे गोपीए मिली नृत्य रसे गावंती गीत मन तोसे अति सुस्वरे कले गाना सबद आबोरी लावन एक गोपिका कृष्ण संगे आड़प कला गीत रागे सड़ज आजी आदि पंच स्वर मोहिला कमलर बर सेना दगेनी आर गोपी आलप कला कनी रोपी ध्रुव तल रे विश्रामिला साधु बोलती नंद बड़ा केसर में कृष्ण पाचे ताई मुझे आलिंगन करा
कृष्ण र कंधे देई हस्ता शिथिल हेला जिन वस्त्र कबरी पिटी फूल माला अबनी पड़िले गहले। जहार पद्म पाद धूली कृष्ण र भुज धरी गोपी आग्रण कला श्वास खेपी चंदन श्यामिया होई उत्पल प्राय कबासई आग्रण करी नास द्वारे रोमांच होईला शरीरे के गोपी नाट श्रम पाई गोविंद कर्ण मूले जाई कुंडल तले मुखे देला चुम्बन्ते तांबूल पाइला केबु केबु जधरी कुचे चापी के मुखे चांति निरोपी पाटी में खड़ा खुद्र घंटी सबद करी नृत्य फूटी गोविंद कर दे सिरे श्रम छाड़िले सुख भरे कृष्णंकु कांत पणे पाई गोपी रामिले तो सहोई हरिर कंठे भुज दे तो सरे तो से रामिले गीत गाई नीला उत्पल गोपी करने अड़के सोहे झाड़ श्रामे बड़य नुपुर सब दे गोविंद नाचंती आनंदे भ्रमरे बाद्य नृत्य करी रास उत्सवे ब्रज नारी पबरी फिटी फूल माल पटी में खड़ा संभाल ये मंते नाना रस बंदे गोविंद रमिले आनंदे बालक निज बिंब देखी खेलाई जेने होई सुखी कृष्णार अंग संग लागी गोपी होइले सौभागी केशव सन स्तन वास खसिले भूषण शेष कृष्णार कीड़ा रस देखी त्रिदास बधु जने सुखी नक्षत्र गण चंद्र संगे सकले पड़िले अनंगे गोपी के कृष्ण रूप होई लीला बिनोदे भाव ग्राही जहार नाई रूप रेख गोपिंकी देले आत्मा सुख गोपिंक मुखे श्रम चाही पोछंती करे भाव ग्राही जे जहा अलंकार भरी गोपी चाहती नर हरी कृष्णार नख ख्यात पाई आनंदे पुलकित होई कृष्णार कर्म गुण मुखे कहंती एक कुआर के ब्रज कामिनी घेनी संगे स्तन कुंकुम कृष्ण अंगे करिणी जूते गज जेने गोपी का श्रम जानी मने गोपी का श्रम जानी मने बसिले कालंदी भीतरे गंधर्वे गावंती सुस्वरे गोविंद देहे गोप नारी जल सिंचंती करे धरी कटाक्षे चाहंती श्रीमुख खंडिले जन्म बंध दुख विमाने ताई देव नारी पुष्प बरंती स्तुति करी गजेन्द्र प्राय रंग मेले लीला बिनोदे नदी जले चंद्र किरणे वन भूमि सुंदर प्रकाशे जमीनी गोप बड़ा घेनी संगे हरिर मिले आत्मा रंगे तार नाही रस अच्युत अच्युत नाम जेणु ख्यात सुनिया अभिमन्यु नंदन चाहिला सुकंक बदन सभए कहइ मधुरा चरणे देइबे निकर। राजा परीक्षित उवाच
ओ मुनिया संभव बाणी संशय लागिला त शुणी मनुष्यान से जन्म होई अखिल ब्रह्मांड गोसाई अधर्म नासी बार से रूप होइले जादुवन से धर्म पालक नर हरि से किंपा धर्म आचरी जगत जन गुरु पिता गति अगति इष्ट दाता जनम मुकति पसरा से किंपा कले पर दारा निज महिमा आत्मरत से किंपा कले विपरीत के अभिप्राय न जानई संशय छेद मो गोसाई राजा बदन चाही मुनि कहंती कृष्ण भाव गेनी श्री सुकवाच सुन राजन भागवत ए बड़ लोकंकर मद एहंक कर्म विपरीत जेणु ते बड़वंत तेनुटी दोष गुण नाही अग्नि जैसने सर्व खाई एहंक मत जे अब चरी मन वचन देह धरी जे बे करी बे मुढ़ पाने नास होइब तत क्षणे जलधि मंथन रुबीस रुद्र हूँ अन्य नोहे ग्रास एहंक वचन ही सत न करती ए मंत जे बुद्धि मंत साधु धीर से न करिबे बेभार ईश्वर दिंकर मत अलप जने विपरीत पशु मनुष्य देवंकर ईश्वरंकर जे ईश्वर जहार देह बुद्धि नाही शुभ शुभ तार कहीं जहार पद्म पाद धूली आनंद होई सिरे बोली निश्चल जोगे श्रम करी कर्म ना संती ब्रह्मचारी ताहार जन्म बंध नाही इच्छा संपद जार देही गोपी गोपाल आदि करी जन जीवन जे आबोरी भकत जन तारी बारे जे जात मनुष्य शरीरे तार चरित मन चिंती भकति पथ आवरती पासे थी बार प्राय मणि गोपाले देखती तरुणी गोपे गोविंद माया मोहि कोपन कले तांकु चाही ए मंते रजनी पहिला गगन अरुण दिसिला कृष्ण रंग संग पाई गोपीए गले तो सब होई कृष्ण पर पादे देई मना मिलीले जमो जे जाहा भुवना गोपे गोविंद केली बने जे होई सावधाने भक्ति हृदय परिमाणी एने भेटिबे चक्र पाणी सकल दुस्तरु से तरे से न पड़ई माया घोरे बोलई दास जगन्नाथ रास उत्सव भागवत सुण सुजन जने चिंती एने छाड़ब मन भ्रांति भक्ति होइब तुम्हार हेड़े तारीब तम तम घोर मुछा रही न मुड़ापणे से बई तुम्हार चरणी मोहर नघे निवादोस गीत कहिले कृष्ण रस मोहर नघे निवादोस गीत कहिले कृष्ण रस पुराण कली गीत रस जहा कहिले पीतवास
सबुरी प्रभु भगवान इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहस्यां संहितायां दशम स्कंदे रास क्रीड़ा वर्णन नाम चतुर्दशोध्याय शांति गोटे भजन गाई परबी बहुत समय होगा आज्ञा आज्ञा ओ हरि ओ ओ पर्वतवाच केनोपायन लघुना जगन्नाथ नाम सहसक पटदे पंडित नत्यम सुतमीक्षाम्यहम प्रभु ईश्वर उवाच श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बरानने श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बरानने श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बरानने श्री राम नाम बरानन ओम नमः इति हरि ओ संधि पाठ करन ओम 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 देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम तत्सत् जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ असंध्या पाठ करिवे आम श्रीयुक्त सुरेश चंद्र भाई